So let's learn English. Today we will talk about punctuation in English. तो English में हम punctuate कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम full stop की बात करते हैं. Full stop जब भी है हम किसी sentence के आखिर में डालते हैं, जब sentence का end हो जाता है, तो we place it at the end of a sentence. कोई भी बात जब खत्म हो जाए तो full stop. उसके बाद फिर हम कामा की बात करेंगे. कामा का मतलब होता है एक पॉज, रुक के बात करना कोई किसी चीज की. जैसे मैं कहूंगा कि आई हैव टेकन विद मी, व्हेनेवर आई एम गोइंग टू पिकनिक, आई हैव टेकन चिकन, सम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड. तो जब मैं ये चीजों को अलग अलग करके बोलूंगा तो एक कामा के साथ में इनको अलग अलग करके बोलूंगा एक पॉज के साथ. तो कोलन जो है, जब हम कोलन डालते हैं तो नीचे हम एक लिस्ट देते हैं चीजों की, जैसे क्या क्या है मेरे पास. या कोई दुकानदार बोलेगा ये है, ये है, ये है, ये वाला साइज है, ये वाला साइज है, ये वाला साइज है. तो जब हम सेमी कोलन की बात करते हैं तो सेमी कोलन जो है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं उनको जोड़ता है, यानी मगर उनमें रिलेशन होना चाहिए. उन दोनों क्लॉज में एक रिलेशन होता है. पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जब दूसरा क्लॉज भी लग जाए तो उसके बाद दोनों क्लॉज को मिला के फिर एक बहुत ही अच्छा मतलब बनता है उस चीज का. अदरवाइज उनका जो सेमी कोलन होता है पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज का भी मतलब होता है, दूसरे का भी, लेकिन वो इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी उनका आपस में रिश्ता होता है. फिर क्वेश्चन मार्क का तो क्या ही कहना. सवाल जब भी हम कोई भी सवाल करते हैं तो आखिर में हम इस पे वी प्लेस अ क्वेश्चन मार्क. तो हाइफन जब हम करते हैं तो ये ज्वाइन करता है कंपाउंड वर्ड्स को, या इंडिकेट करता है कि एक मीनिंग के लिए हमने इनको कंबाइन किया है, कोई भी दो चीजों को. तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जाहिर करता है. कोई इमोशन हो सकता है, इट कैन बी ऑफ लव और हेट और एनीथिंग एल्स और हैप्पीनेस, सरप्राइज और पैन. तो जब भी कोई बात है ओह एह आह हुर्रा वगैरह, जब हम इस चीज़ के, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, दुखी होते हैं, या ज़्यादा दर्द होता है हमें, तो हम इसका एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करते हैं. तो एपोस्ट्रोफी जो होती है वो शो करती है व्हेन अ लेटर और अ नंबर हैज बीन लेफ्ट आउट. जब कोई लेटर या नंबर हमने लेफ्ट आउट किया है, या एपोस्ट्रोफी जब हम डालते हैं तो उससे पोजेशन का भी इस्तेमाल होता है. यानी पोजेशन, यानी जैसे राम्स, अक्रम्स, सीताज वगैरह, तो पोजेशन को भी एपोस्ट्रोफी से जोड़ते हैं. तो फिर स्लैश जो होते हैं इससे हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं लेटर्स को या नंबर्स को या फिर वर्ड्स को. तो कोटेशन जो होती है ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू और बंद जो हम करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम शो कर रहे हैं कि ये किसी और ने कहा है. ये डायरेक्ट स्पीच है, किसी और ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, जब हम कोई कोट करते हैं. तो या फिर नीचे उस जिसने कहा होगा उसकी हम प्लेस करते हैं, उसका नाम लिखते हैं. तो राउंड ब्रैकेट्स, इसमें जब हम किसी चीज़ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भरते हैं तो हम राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, ताकि कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन जब हम किसी बात में डालना चाहें तो वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम डाल देते हैं. तो उसके बाद एलिप्सिस मार्क जो होता है, ये थ्री डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये होता है टू सेपरेट एटम्स इन ए सीरीज. जब हम सीरीज में जैसे 1 2 3 4 इस तरह से, या कोई मतलब एक कोहरेंस के हिसाब से, एक तरतीब के हिसाब से हम जब चीज़ों को डालते हैं, यानी सीरीज में डालते हैं, तो उसके बाद हम इस एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं. तो आई एम श्योर एनफ दैट यू माइट हैव अंडरस्टैंड ऑल द सिंबल्स ऑफ दिस प्रोनाउंसिएशन, दिस पंक्चुएशन इन इंग्लिश. तो अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसी वीडियोस मैं और भी डालूंगा. तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें.
ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपको इंग्लिश के हवाले से या राइटिंग के हवाले से या ग्रामर के हवाले से और भी मैं आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।